गाइस, दिस इज रिया सोनी एंड वेलकम टू दॉब्स प्रो और आज हम क्यूनिटीज़ का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने वाले हैं जो कि है नेटवर्क पॉलिसी इन ट्रस्ट मी अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो नेटवर्क पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में बाकी नहीं रह जाएगा तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है अगर आपको मेरी वीडियोस को और पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें आपके इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस को जल्दी जल्दी लेकर आते रहें तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सो वॉट इज़ नेटवर्क पॉलिसी बिना कोई थोरेटिकल बात किए नेटवर्क पॉलिसी को एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं तो जैसा कि हमें पता ही होगा कि जब भी हम कम्यूनिटीज़ में कोई भी पॉड या सर्विस क्रिएट करते हैं तो उन्हें एक आई पी असाइन होती है तो मान लेते हैं कि अगर हमने एक थ्री टीयर एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो हम तीन पॉड्स क्रिएट करेंगे फ्रंट बैक एंड और एक हमारा होगा डेटा बेस पॉड और उनकी रेस्पेक्टिव सर्विसेज को भी क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते ही उनकी सर्विसेज को और पॉड्स को एक आईपी असाइन होगी कम्यूनिटीज़ के अंदर सारे पॉड्स और सर्विसेज एक इंटरनल नेटवर्क में होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किमिटीज़ में कोई भी पॉड या सर्विस किसी भी पॉड या सर्विस से इजीली कनेक्ट कर सकता है यूजिंग दियर आईपी एड्रेस या फिर उनके नेम से तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉड हमारे डेटाबेस बेस पॉड से कनेक्ट कर सकता है और उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है तो ये तो एक दिक्कत वाली बात होती है कि हमारे डेटा बेस पॉड की कोई सिक्योरिटी ही नहीं है कोई भी उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है तो अब बात आती है कि हमारे डेटा बेस पॉड को सिक्योर कैसे करें तो यहाँ पर हमारे डेटा बेस पॉड के इनकमिंग एंड आउट ट्रैफिक को कंट्रोल या आप कह सकते हैं सिक्योर करने के लिए हमें क्यूबनिटीज ऑप्शन प्रोवाइड करता है नेटवर्क पॉलिसी का नेटवर्क पॉलिसी एक क्यूबनिटीज ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी पॉड के इसका मतलब है कि नेटवर्क पॉलिसी पॉड पर अप्लाई होती है और एक नेटवर्क पॉलिसी से आप एक पॉड के ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि इससे हमें यह समझ आया कि हमारे डेटाबेस पॉड के लिए हमें एक नेटवर्क पॉलिसी क्रिएट करनी होगी और हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉड हमारे डेटाबेस वाले पॉड से कनेक्ट करेगा और कौन से पोर्ट नंबर पे करेगा सेम अगर डेटाबेस पॉड से अगर कोई आउटगोइंग ट्रैफिक हमें अलाउ करना है तो वो ट्रैफिक कौन से पॉड पे जाएगा और कौन से पोर्ट नंबर से जाएगा ये सारी चीज़ें हम नेटवर्क पॉलिसी से कंट्रोल करेंगे इनकमिंग एंड आउट गोइंग की बात आ ही गई है तो हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को पहले समझ लेते हैं किसी भी पोर्ट पर आने वाले इनकमिंग ट्रैफिक को हम इनग्रेस कहते हैं और आउटगोइंग ट्रैफिक को ईग्रेस कहते हैं तो यानी कि अगर यूज़र हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा तो उसका ट्रैफिक फ्रंट एंड पोर्ट पर जाएगा तो वो इनकमिंग ट्रैफिक हुआ फ्रंट एंड पॉड के लिए तो उसको हम कहेंगे इनग्रेस सिमिलरली फ्रंट एंड पॉट अगर एंड पोर्ट को एक्सेस करेगा तो फ्रंट एंड पोर्ट के लिए वो होगा इग्रेस ट्रैफिक और बैकेंड पोर्ट के लिए वो होगा इनग्रेस ट्रैफिक सेम बैकन पोर्ट से जो ट्रैफिक डेटाबेस पोर्ट के लिए जाएगा तो वो बैकेंड पोर्ट के लिए तो इग्रेस ट्रैफिक होगा यानी कि आउट गोइंग ट्राफिक और डेटाबेस पोर्ट के लिए होगा वो इनग्रेस ट्रैफिक यानी कि इनकमिंग ट्रैफिक तो यहाँ तक आई होप आपको इनग्रेस और ईग्रेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अब डिटेल में बात करते हैं नेटवर्क पॉलिसी पर नेटवर्क पॉलिसी आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपने एंट्रिया कैलिको सीलियम क्यूब राउटर रोमाना या वी नेट एज ए नेटवर्किंग सोल्यूशन डिप्लॉय किया हुआ है जब क्लस्टर सेटअप किया था तब अगर आपने प्लानल एज ए नेटवर्किंग सोल्यूशन डिप्लॉय किया है तो आप डायरेक्टली नेटवर्क पॉलिसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते हो अगर आपको याद है जब हमने क्यूब ए से मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप किया था तब हमने प्लानल एज ए नेटवर्किंग सोल्यूशन डिप्लॉय किया था फ्लैनल के साथ आप नेटवर्क पॉलिसी को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो तो आपको इन्हीं में से कोई नेटवर्क प्रोवाइडर डिप्लॉय करना होगा तो ये था कि नेटवर्क पॉलिसी किसके साथ काम करेगी और किसके साथ नहीं अब बात करते हैं नेटवर्क पॉलिसी काम कैसे करती है और कैसे हम नेटवर्क पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क पॉलिसी की यामल फाइल अगर हम देखें तो कॉमन फील्ड्स तो हमारी होती ही है जिसमें हमारा ए वर्जन नेटवर्किंग डॉट होता है काइंड के अंदर हम नेटवर्क पॉलिसी लिखते हैं और मेटा डेटा के अंदर आप कोई भी नेम नेटवर्क पॉलिसी का रख सकते हैं स्पेक्ट सेक्शन के अंदर आती है हमारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स जिसमें सबसे पहला होता है हमारा पॉड सेलेक्टर पॉड सेलेक्टर में हम लेबल्स प्रोवाइड करते हैं उस पॉड के जिस पे हम नेटवर्क पॉलिसी को अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम डेटाबेस पॉड के लिए नेटवर्क पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं और अगर उसके लेबल्स रोल इक्वल्स टू डी बी हैं तो हम पॉड सेलेक्टर के मैच लेबल्स में रोल डी लिखेंगे दूसरे नंबर पे आता है पॉलिसी टाइप्स पॉलिसी टाइप्स में आप बताते हो कि ये नेटवर्क पॉलिसी जो आप क्रिएट कर रहे हो वो इनग्रेस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए है या ईग्रेस ट्रैफिक को तो पॉसिबल ऑप्शन में आपके पास दोनों ऑप्शन हैं इन्ग्रेस और ईग्रेस अगर आप सिर्फ इनग्रेस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क पॉलिसी बना रहे हो तो सिर्फ हमें इन्ग्रेस ही पॉलिसी टाइप्स में लिखना है सिमिलरली सिर्फ ईग्रेस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आप नेटवर्क पॉलिसी बना रहे हैं तो पॉलिसी टाइप में आप सिर्फ ईग्रेस लिखेंगे और अगर इन्ग्रेस और ईग्रेस ट्रैफिक दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दोनों इन्ग्रेस और ईग्रेस दोनों मैंशन करोगे तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम डेटाबेस पोर्ट के इनग्रेस और ईग्रेस दोनों ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम दोनों पॉलिसी टाइप्स यहाँ मेंशन कर देंगे अब बात आती है कि हम पूरा डिटेल में बताएं कि इनग्रेस ट्रैफिक कौन से पोर्ट पे आएगा और कौन से पोर्ट नंबर पे आएगा सेम ईग्रेस ट्रैफिक कौन से पोर्ट पर जाएगा और कौन से पोर्ट नंबर पर जाएगा उसके लिए हम सेपरेट इनग्रेस और ईग्रेस की फील्ड्स को डिफाइन करना पड़ेगा तो सबसे पहले इनग्रेस ट्रैफिक का बता देते हैं उसके लिए इनग्रेस की फील्ड में हमें एक न्यू फील्ड ऐड करनी होगी वो है फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर हम ये बताते हैं कि इनकमिंग ट्रैफिक कौन से पॉड से आएगा पॉड की आइडेंटिटी को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉड सेलेक्टर्स पॉड सेलेक्टर में हम उस पॉड के लेबल्स डालते हैं जहाँ से डेटाबेस बेस पर इनकमिंग ट्रैफिक आएगा तो हमारे केस में हम बैकेंड पोर्ट से इनकमिंग ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं और अगर बैकेंड पोर्ट के लेबल रोल इक्वल्स टू बैकन है तो पोर्ट सिलेक्टर के मैच लेबल फील्ड में रोल बैकन लेबल हमें यूज़ करने हैं अब बात आती है पोर्ट नंबर बताने की कि कौन से पोर्ट नंबर पर डेटाबेस पोर्ट अपने इनकमिंग ट्रैफिक को अलाउ करेगा तो उसके लिए हम फील्ड ऐड करेंगे पोर्ट्स की पोर्ट्स के अंदर हम बताते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होने वाला है और पोर्ट नंबर कौन सा है जिस पर ट्रैफिक आने वाला है तो फ्रॉम एंड पोर्ट से हमने इनग्रेस की पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी है अब कुछ इनग्रेस में ही इम्पोर्टेंट बातों को समझ लेते हैं केस नंबर वन अभी हमने सिर्फ फ्रॉम फील्ड में ऐड किया है बैकएंड पॉड के लेबल्स पॉड सेलेक्टर में जिसका मतलब है कि हम सिर्फ बैकेंड पॉड को अलाउ करते हैं डेटाबेस पॉड से कनेक्ट करने के लिए बट अगर इसी सेम चीज़ को अगर हम नेटवर्क पॉलिसी के लैंग्वेज में इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब कुछ और निकल के आता है इसका मतलब आता है कि वो सारे पॉड्स जिन जिनका लेबल रोल इक्वल्स टू बैकेंड है वो सारे पॉड डेटाबेस पॉड को एक्सेस कर सकते हैं वो सारे पॉड्स सबसे पहली कंडीशन कि वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर होने चाहिए तो ये होता है हमारा केस नंबर वन केस नंबर टू मान लेते हैं कि हमारा बैकेंड पॉड डिफॉल्ट नेम स्पेस में नहीं प्रॉड नेम स्पेस में प्रेजेंट है तब तो हमारी ये नेटवर्क पॉलिसी पूरी तरह से गलत हुई अब हम बैकेंड पॉड की आइडेंटिटी को कैसे देंगे कैसे बताएं कि हम बैकेंड पॉड जो प्रॉड नेम स्पेस में है उसको अलाउ करवाना चाहते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए तो उसके लिए हमारे पास में होता है नेम इस्पेस सेलेक्टर नेम स्पेस सेलेक्टर यानी कि अगर हम नेम स्पेस सेलेक्टर की फील्ड को बॉड सेलेक्टर के नीचे ऐड कर दें और उसमें प्रॉड नेम स्पेस के लेबल्स डाल दें तो इसका मतलब हुआ वो बैक पॉड जो प्रॉड नेम स्पेस में है हम उसको अलाउ करवाना चाहते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए तो ये था हमारा केस नंबर टू जिसमें हमने नेम स्पेस सेलेक्टर की बात करी अब आता है केस नंबर थ्री अगर हम नेम स्पेस सेलेक्टर को पॉड सेलेक्टर के साथ ना डालें और उसके आगे एक हाइफन ऐड कर दें तो इसका मीनिंग पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है इसका मतलब हुआ कि प्रॉड नेम स्पेस के सारे पॉड्स को हम अलाउ करते हैं डेटा बेस्ड को एक्सेस करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को हम काफ़ी ध्यान रखना होता है इन सारी चीज़ों से मीनिंग डिफरेंट हो जाता है पहले जब हम दोनों को साथ में रख रहे थे तो उसका मतलब था कि वो पॉड जिनका लेबल रोल इक्वल्स टू बैकेंड है और जो प्रॉड नेम इस्पेस में प्रेजेंट है हम सिर्फ उसी को अलाउ करते हैं और जैसे ही हमने पॉड सेलेक्टर और नेम स्पेस सेलेक्टर की फील्ड को सेपरेट कर दिया हाइफन लगा के तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया उसका मीनिंग हो गया कि वो सारे पॉड जो डिफॉल्ट नेम स्पेस में हैं और जिन जिन का लेबल रोल इक्वल्स टू बैकेंड है और वो सारे पॉड्स जो नेम स्पेस प्रॉड में हैं प्रेजेंट हैं भले ही उनका लेबल कुछ भी हो हम उन सबको अलाउ करते हैं डेटा बेस पॉड को एक्सेस करने के लिए तो ये था केस नंबर थ्री लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस केस नंबर फोर अगर मान लेते हैं आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि क्यूबनिटीज क्लस्टर के बाहर कोई सर्वर है और आप उसको अलाउ करवाना चाहते हैं कि वो सर्वर डेटा पॉड को एक्सेस करें तो उस केस में हम उस सर्वर की आईपी को अलाउ करवाते हैं उसके लिए हम फील्ड यूज़ करते हैं आई ब्लॉक और आई ब्लॉक के अंदर हम उस आई रेंज को प्रोवाइड कर देते हैं तो ये थे हमारे सारे इम्पोर्टेंट केस और हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सारी फील्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अब बात आती है ईग्रेस की डिटेल्स बताने की जैसे इनग्रेस में फ्रॉम होता है मतलब कहाँ से इनकमिंग ट्रैफिक आएगा वैसे ही ईग्रेस में होता है टू मतलब कहाँ आउटगोइंग ट्रैफिक जाएगा टू के अंदर भी आप सेम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पॉड सेलेक्टर नेम स्पेस सेलेक्टर और आईपी ब्लॉक फील्ड का यूज़ कर सकते हो और पॉड्स में आप पोर्ट नंबर अपना बता सकते हो इस तरह से हम इनग्रेस एंड ईग्रेस की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और नेटवर्क पॉलिसी को क्रिएट करते हैं अब हम लैब में चलते हैं और एक नेटवर्क पॉलिसी क्रिएट करके देखते हैं सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं हम एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे एंजेनिक्स का जिसका नेम भी एंजिनिक्स होगा और इमेज भी हम एंजिनिक्स यूज़ करेंगे डिप्लॉयमेंट क्रिएट होती ही हम सर्विस क्रिएट करने के लिए उसी डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करेंगे पोर्ट नंबर एटी पर और सर्विस को क्रिएट कर देंगे क्रिएट हो जाने के बाद हम पॉड और सर्विस को चेक कर सकते हैं क्यूब सी टी एल गेड पॉड कॉमा एस वी सी कमांड से इस कमांड से हम पॉड एंड सर्विस दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं हमारे पॉड एंड सर्विसेज दोनों क्रिएट हो चुके हैं अब बारी आती है एंजिनिक्स की सर्विस को टेस्ट करने की कि वो किसी और पॉड से एक्सेस होती है या नहीं होती है उसके लिए हम एक और पॉड क्रिएट करेंगे इस बार हम इमेज यूज़ करेंगे बिजी बॉक्स की तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे क्यूब सी टी एल रन बिज़ी बॉक्स हाइफन हाइफन आर एम हाईफन आई टी इमेज इक्वल्स टू बिज़ी बॉक्स वन पॉइंट टू एट हाइफन हाइफन स्लैश बिन स्लैश एस एच इस कमांड से एक बिजी बॉक्स नाम से एक पॉड बनेगा जिसमें इमेज बिजी बॉक्स वन पॉइंट टू एट यूज़ होगी और हम पॉड बनते ही उसकी शेल के अंदर पहुँच जाएंगे शेल के अंदर आते ही हम एंजिनिक्स के पॉड के साथ कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए कमांड यूज़ करेंगे डब्ल्यू गेट हाइफन हाइफन स्पाइडर हाइफन हाइफन टाइम आउट इक्वल्स टू वन और हमारे पॉड का नेम जो कि है एंजिनिक्स तो ये हमें बता रहा है कि कनेक्टिंग टू इंजेनिक्स और उस पॉड की आई भी ये हमें बता रहा है यानी कि बिजी बॉक्स पॉड सक्सेसफुली एंजनिक्स से कनेक्ट कर पा रहा है ठीक है अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं और अब एक नेटवर्क पॉलिसी बना के इंजीनिक्स के पॉड पर इनकमिंग ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं नेटवर्क पॉलिसी के लिए ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल बना रखी है नेटवर्क पॉलिसी डॉट यामल नाम से ओपन करके दिखा देते हैं इसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया है कि हम एक नेटवर्क पॉलिसी बना रहे हैं विथ नीन एक्सेस हाइफन एंजनिक्स और स्पेक के अंदर पॉड सेलेक्टर में हमने इंजेनिक्स के पोर्ट के लेबल्स पास कर दिए हैं जो कि है ऐप इक्वल्स टू इंजेंक्स और जैसा कि हम इंजेनिक्स पॉड पर इंग्रेस ट्रैफिक को अलाउ करवाना चाहते हैं तो हमने पॉलिसी टाइप में इंग्रेस लिख दिया है और इंग्रेस की फील्ड को भी ऐड कर दिया है जिसमें फ्रॉम में पॉड सेलेक्टर में सिर्फ उन्हीं पॉड को अलाउ करेंगे जिनका लेबल एक्सेस इक्वल्स टू ट्रू होगा तो ये है हमारी पूरी नेटवर्क पॉलिसी की यामल फाइल अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं क्यूब सी टी एल अप्लाई कमांड का यूज़ करके और जैसे ही नेटवर्क पॉलिसी क्रिएट हो जाती है हम क्यूब सी टी एल गेट नेटवर्क पॉलिसी कमांड से नेटवर्क पॉलिसी जो अभी हमने बनाई है उसको हम देख सकते हैं अब वापस से हम बिजी बॉक्स का पॉड बना के कनेक्टिविटी टेस्ट करेंगे बट फर्स्ट टाइम में हम बिजी बॉक्स को एक्सेस इक्वल्स टू ट्रू लेबल नहीं प्रोवाइड करेंगे ताकि इंजिनिक्स पॉड से वो कनेक्ट ना कर पाए और हम देख पाएँ कि नेटवर्क पॉलिसी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है तो चलते हैं बिजी बॉक्स पॉड बना के टेस्ट करते हैं पॉड के अंदर हम आ चुके हैं और कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए हम सेम कमांड यूज़ करेंगे डब्ल्यू गेट हाइफन हाइफन स्पाइडर हाइफन हाइफन टाइम आउट इक्वल्स टू वन और हमारी पॉड का नाइम एंजनिक्स ये हमें बता रहा है डब्ल्यू गेट डाउनलोड टाइम आउट इसका मतलब है कि बिजी बॉक्स इंजीनिक्स के पॉड से कनेक्ट नहीं कर पाया यानी कि हमारी नेटवर्क पॉलिसी बिल्कुल सही से काम कर रही है बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे बिजी बॉक्स पॉड इंजीनिक्स के पॉड से कनेक्ट नहीं कर पाया अब हम यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं और एक नया बिजी बॉक्स पॉड बनाते हैं जिसको एक्सेस इक्वल्स टू ट्रू लेबल प्रोवाइड करेंगे और फिर उसकी शेल के अंदर जाके कनेक्टिविटी टेस्ट करके देखेंगे उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे क्यूब सी टी एल रन बिजी बॉक्स हाइफ़न हाइफन आर एम हाइफ़न आई टी लेबल्स करके हम एक्सेस इक्वल्स टू ट्रू लेबल प्रोवाइड कर देंगे और हाइफ़न हाइफ़न इमेज में वही सेम इमेज हम डालेंगे बिजी बॉक्स वन पॉइंट टू एट स्लैश बिन स्लैश एस एच ताकि हम शेल को एक्सेस कर पाएँ शेल के अंदर आके वही सेम कमांड हमें कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए रन करनी है और इस बार बिजी बॉक्स पॉड हमारा एंजेनिक स्पॉड से कनेक्ट हो जाएगा तो ये था नेटवर्क पॉलिसी और उसका प्रैक्टिकल आई होप आपको पूरा नेटवर्क पॉलिसी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा अगर कहीं भी डाउट बाकी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर सब कुछ समझ आ गया है तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी फाइल्स और कमांड्स हमने इस लैब एक्सरसाइज़ में यूज़ करी है वो आपको रेपो पे नेटवर्क पॉलिसी के फ़ोल्डर में लैब एक्सरसाइज़ के फ़ोल्डर में आपको मिल जाएगी तो आप वहाँ से देख कर अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं तो अब बारी आती है एक छोटे से असाइनमेंट की इस असाइनमेंट को करने के बाद आपको पूरी तरह से नेटवर्क पॉलिसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो असाइनमेंट आपको जरूर से करना है तो सबसे पहले हम असाइनमेंट को समझ लेते हैं कि असाइनमेंट क्या है असाइनमेंट के लिए आपको एक नेटवर्क पॉलिसी की यामल फाइल बनानी है जिसमें नेटवर्क पॉलिसी का नेम रखना है डी बी नेटवर्क पॉलिसी और ये नेटवर्क पॉलिसी हमें अप्लाई करवानी है हमारे डेटा बेस पॉड पर जिसका लेबल होगा रोल इक्वल्स टू डी बी हाईफन पॉड इन्वेस्ट ट्राफिक अलाउ करवाना है इंटरनल पॉड से जिसका लेबल है रोल इक्वल्स टू इंटरनल हाइफन पॉड और वो पॉड हमारा देव नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है और इंग्रेस ट्रैफिक के लिए पोर्ट नंबर हमें अलाउ करना है एटी एटी सेम इग्रेस ट्रैफिक हमें अलाउ करवाना है आईपी रेंज के लिए जो आईपी रेंज है वन सेवेंटी टू डॉट सेवेंटीन डॉट जीरो डॉट जीरो स्लेश सिक्सटीन और जिसके अंदर हमें 172.17.1.0/24 वाले सी आई डी आर रेंज को छोड़कर वो सारे IP जो हमने अभी बात करी है उनको अलाउ करवाना है ये थोड़ा ट्रिकी है बट ट्रस्ट में अगर आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा सेम Egress के अंदर हमें पोर्ट रेंज को अलाउ करवाना है पोर्ट रेंज होगी हमारी 32,000 से 32,768 तक ये सारे पोर्ट्स आपको अलाउ करवाने हैं तो ये था हमारा असाइनमेंट अब बात कर लेते हैं कि सबमिशन कैसे करवाना है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको रेपो पर आके नेटवर्क पॉलिसी के फोल्डर में जाना है देन असाइनमेंट फोल्डर में जाना है यहाँ की रीडमी में और आप असाइनमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको आना है यूज़र हाइफन सबमिशन्स वाले फोल्डर में उसके अंदर आपको अपने नाम से एक फोल्डर बनाना है और अपने फोल्डर में डी बी policyyaml नेटवर्क पॉलिसी डॉट यामल फ़ाइल को अपलोड करना है और ये सारे चेंजेस करने के लिए आपको इस रेपो को फॉर्क करके और एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी वीडियो पब्लिश होने के एक हफ़्ते बाद मैं इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन पोस्ट करूँगी जिसकी फ़ाइल आपको असाइनमेंट वाले फ़ोल्डर में ही डी बी policyyaml नेटवर्क पॉलिसी डॉट यामल नाम से मिल जाएगी हिंट के लिए आप रिसोर्स के अंदर मैंने डॉक्यूमेंटेशन की एक लिंक प्रोवाइड की है आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं तो ये था हमारा असाइनमेंट ज़रूर करना है आपको असाइनमेंट और अपने स्किल्स को टेस्ट करना है तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे पूरा भरोसा है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा तो अगर आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और इसी तरह DevOps प्रो को अपना बहुत सारा प्यार देते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू